अच्छा जी, खाना शाना तो खा लिया। अब कौन सा आपका सवाल था? मेरा सवाल ये था कि आशिक लाला, इसको बंद करें। मेरा सवाल चले इससे ही पहले शुरुआत करते हैं। चलो ठीक है, आगे से करो। मैं चलो इस तरह से ठीक है। ये जी काम कर रहे हैं अभी माशाल्लाह। ये लगाना है तबलून, ये वाला लगाना है इधर। ये तारे देख रहे हैं आप सारी की सारी, ये है। हेलो मियां मी, माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह, शुक्रन शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें बाज रहें। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह सुबह के 10 हुए हैं, ये देखें काफ़ी ज़्यादा धूप और हवा चल रही है माशाल्लाह। इधर जो है ना तवा रखा हुआ है अभी भी, और ये रहा जी आटा, ये पराठे बनाने वाला हूँ मैं। इधर रहा जी महाराज का लोबिया सालन जो मैं कल लेके आया था, ये देखें माशाल्लाह। तो अभी मैं बना रहा हूँ जी पराठे, सालन तो रेडी हो पड़ा हुआ है, पराठे यहाँ पे बनाऊंगा। उसके बाद फिर सब मिलके भाई जो है ना वो नाश्ता करेंगे और आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। इधर से जो है ना माशाल्लाह सब्ज़ी भी आ चुकी है, क्या बात है जी। ये भाई हमारे यहाँ पे आलू, आलू हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, बैंगन। कल आपको पता सब्जी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो आज इसमें लस्सी भी है। अच्छा, और दूध भी है। ठीक है, लस्सी मेहरान सब कुछ आ गया। आ गया, ये तो खाली सुरख हमारे चाहिए यार। मेरा चाहिए यार मेहरान। ये रहा अपना वो करेले, करेले बैंगन, बैंगन नहीं इसमें करेले, कद्दू भी है, कद्दू भी है। हाँ ये हो गया, मिर्ची भी है उसमें। हाँ ये, ये बोतल है। ठीक हो गया, ये नींबू है, बैंगन है। चलो सही है, नींबू और बैंगन। मिर्चे मिर्चे, टमाटर नहीं है? टमाटर मुश्किल। दो भाई जो है ना हमारे इधर काम कर रहे हैं, इनको खाना चला दिए, पानी शानी देने के। बाकी हमारा जो है ना ये पीछे पड़ा हुआ है नाश्ता, ये रहा नाश्ता। क्या बात है जी, और पानी शानी भी लेके आएंगे। ये कपड़े मैंने रखे हैं, नहा धो के गाड़ी भी वाश करेंगे। आज बहुत काम है क्योंकि आज जुमेरात है, सुबह मैंने चले जाना है उधर अपने दूसरे दोस्त की तरफ। इस वजह से मैंने सोचा गाड़ी भी वाश करेंगे, कपड़े शपड़े धो के सब क्लियर करेंगे आज काम। ले जी इधर आ गए, इधर नाश्ता हो रहा है जी हमारा माशाल्लाह। क्या बात है जी, काफ़ी धूप है और धूप में ही फिर आपको पता बैठना पड़ेगा इधर ही। क्या सीन है जी, थोड़ा थोड़ा साइड में होने, इधर भी लोग बैठेंगे ना, और नीचे थोड़ी बैठेंगे। रास्ता तो सही, थोड़ा हाथ भी लिया करो सरकार। ऐसा बैठे परदेश आके रोने ही है, रो के भी क्या करेगा, किस किसके सामने, किसके सामने रोओगे भाई, क्या फायदा किसके सामने रोने का नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ ना, काम तो वैसे जो किस्मत में वो ही मिलना है भाई। हाँ जी, सारा रोना इसके नसीब में है क्या? हाँ ना, कुछ उसके हिस्से दे दो कुछ हमें दे दो, क्यों जी, हम तो खुश बाश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहना चाहिए यार, टेंशन ना करो यार, तुम सीरियस हो गए, बिल्कुल ही सीरियस हो गए तुम तो यार। जी माशाल्लाह नाश्ता होने वाला है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, पहले पढ़े, पहले पढ़े। अच्छा जी माशाल्लाह, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने बनाया जी ये लोबिया। भी आ गई अभी जो है इधर से पानी भरने के लिए आया हूँ। पानी भर के फिर गाड़ी को वॉश करेंगे, फिर मैं खुद भी नहा के जाऊँगा मजरे पे। फिल वक्त पानी भर के ना मजरे पे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा यार आई थी धूप, काफ़ी ज़्यादा, और मैं सोच रहा था अगर ये वाले दरख्त लगाए जाए ना, ये वाले उधर अपने मजरे पे, तो ये बड़ी जल्दी जो है ना ये बड़े होते हैं। तो कोशिश करेंगे, ये जो पौधे हैं ना ये इसका नाम है सवेदा, और ये मजरे पर लग जाए ना तो ये इसकी छाँव काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी जो है ना इधर गाड़ी करेंगे जी अपनी वाइश, इधर से पानी लेके ये इधर से पानी मंगवाता हूँ उससे, ये भरवाता हूँ पानी, ये भर जाएगा फिर गाड़ी को साफ करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये देख रहे हो मैंने धो रही है, ये मेरा ड्राइवर जो है ना गाड़ी धो रहा है। किसका ड्राइवर? मेरा ड्राइवर। सऊदी का है तुम्हारा? मेरा ड्राइवर है। ये गाड़ी मेरा देखो, ये कभी साफ नहीं करता ये बंदा। मैं अरब से साफ करता हूँ मेरे भाई। आज साफ कर रहे, मेरा मैक भी बाहर नहीं निकला है, वो भी खराब कर दिया है।
कौन सा हेडफोन अभी निकाला है अभी निकाला अभी फायदा क्या है अभी तो खराब हो गया मजे की बात बताऊं आपको हाँ ये लो बबल ये ड्राइवर मेरा अच्छे खाली बबल दे रहा है मेरे को खाली स्टिकर है ये मेरे के साथ प्रैंक करता है तुम लोगों के साथ करते हो मैं तुम्हारे साथ मैं करती हूँ जल्दी जल्दी साफ करो गाड़ी को ये ले ये ले ये ले टूर पे जाना है ये ले ये ले हाँ जल्दी करो टूर पे जाना है किधर जाना है टूर पे जाना है किधर टूर पे इधर मदीना जाएंगे इधर उधर कोई टूर शूर नहीं होता पाकिस्तान ये होता सब इधर नहीं कोई भी जा सकता इधर प्रदेश को जब आयो पैसा कमाओ अगर आ रहे हो करा तबे न थो करे अंदर से पानी वीडियो उठा यहां तो अंधा क्या हो गया हे दे गाली देने वाली क्या बात है यार इसमें गाली नहीं एरिया बस सुनो यार उसकी सुनो बात उसकी हां मैं इधर ड्राइवर साहब चलते करो इधर भाई जो है ना परेशान थे सुबह से ही और अभी जो है ना एक और परेशानी बन गई है इनके कान के अंदर जो है ना चला गया कीड़ा मच्छर या कीड़ा था मच्छर अभी निकला या नहीं निकला नहीं पानी भाई ने डाला थोड़ा सा ठीक है मैंने बोला गर्म तेल होता ना उसके साथ मर जाता या निकल जाता तेल है तो नहीं कहाँ से गर्म रहा उधर पड़ा हुआ था ना सरियों का तेल गर्म कर लेते लेकिन आपने जल्दबाजी की पानी डाल दिया पानी डाल दिया शाम तक पता चल जाएगा इसका ये अंदर है तो बताएगा मैं अंदर हूँ अच्छा अभी नहीं। अभी निकला नहीं पता नहीं चला आपको ना पता नहीं चला अभी अंदर हरकत नहीं कर रहा फिलहाल तो अच्छा निकल गया है तो ठीक है नहीं तो हरकत करेगा हाँ शाम तक तो करेगा इधर ही सी बात है नहीं मर जाए फिर भी सही है चलो हाँ। निकल जाएगा तेल डालोगे ना लेकिन शाम को फिर भी गर्म करके तेल डालो एक बार अंदर जाएगा तेल फिर बाहर आएगा तेल ये अगर हुआ अंदर मर के फिर निकल आएगा ओके अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहा लिया मैंने भी और गाड़ी जो है ना वो भी वॉश हो गई है जी बाकी ये जो नाश्ते का सामान था वो इधर रखा है अभी और चलते हैं जी अभी माशाल्लाह देखें गाड़ी क्या बात है जी साफ़ होगी माशाल्लाह बाकी इतनी मिट्टी धूल होती है आपको पता है फिर यहाँ पे गंदी हो जाएगी दो दिन नहीं गुजरेंगे तो हम क्या बना रहे हैं जी आज माशाल्लाह बना रहे हैं जी करेले क्या बात है जी माशाल्लाह आ गए जी करेले हमारे आज क्या बात है आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा अभी नहीं खाना खा के बाद में अभी कर लें अभी नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ज्यादा है वो अच्छा एक से पूछना पड़ेगा अच्छा क्वेश्चन यस चलो जी खाना शाना खा के फिर इंशाल्लाह जो है ना ये भाई पूछेंगे टेक्निकल ही दुकान है ना क्वेश्चन से मतलब टेक्निकल दुकान से क्या प्रॉब्लम क्या मकसद नहीं नहीं उसको यार असल में पता नहीं ना होता असल में टेक्निकल दुकान चलो जी बिस्मिल्लाह अच्छा जी खाना शाना तो खा लिया अब कौन सा आपका सवाल था मेरा सवाल ये था कि आशिक लाला इसको बंद करें मेरा सवाल चले इससे ही पहले शुरुआत करते हैं चलो ठीक है आगे से करो मैं चलो इस तरह से ठीक है वो कौन सी चीज है मतलब जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे देती है एक एक तो भी देखा साल देखें ये चीज है ना जी जी इसका ये ग्रिप खराब हो गया ठीक है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं दूसरा में मगर आप उसे छोड़ भी नहीं सकते अच्छा जी मतलब क्या चीज है आपको तकलीफ भी दे रही है ठीक है जी जी आप उसको छोड़ भी नहीं सकते एक इसकी ग्रिप खराब हो गई जी जी यार तकलीफ दे रही है चलो दूसरा ले लिए बिल्कुल मगर आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं क्या चीज है वो मतलब कैसी चीज है जो हाँ। आपको इंसान भी हो सकता है तकलीफ दे रही है हाँ। लेकिन आपकी मजबूरी है आप उसको छोड़ नहीं सकते नहीं सकते वो कौन सी चीज है आप सारे बताएं आज कौन सी चीज है हाँ ना तो कल तक 24 घंटे हैं तो ऑडियंस से भी मेरा यही है कि आप कमेंट जरूर बताएं हाँ जो करना भी है नहीं करने की बात नहीं हुई तकलीफ देती है आपको तकलीफ दे रही है काम है मजदूरी है नहीं ये भी हो सकती है मजदूरी भी हो सकती है मोहब्बत अगर जिसे हद से ज्यादा प्यार करते हो वो उसे अगर वो तकलीफ भी दे रहा है उसे छोड़ भी नहीं सकते आप क्या ये सही बात है इसका सवाल बिल्कुल सही है अच्छा इसने भाई सही जवाब दिया वेरी गुड क्या बात है जी सही कहा क्योंकि एक बात है ना अच्छा जरूरी नहीं किसी गैर से मोहब्बत करें बिल्कुल अपने भाई से भी हो सकता है जी जी बिल्कुल आप एक काम से रोक रहे हैं कि यार आप ये ना करें जी जी उसके बावजूद भी वो कर रहा है उसको तकलीफ हो रही है कि यार ये मेरा भाई क्यों कर रहा है बिल्कुल छोड़ तो नहीं ना सकता उसको
बिल्कुल अच्छा मेरा मैं पता क्या बोलने वाला था परदेश मैं बोल रहा था यार मैं बोल रहा था यार कि परदेश है ना तकलीफ तो दे रहा है परदेश छोड़ सकते हैं ना नहीं भी छोड़ नहीं छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते यार कितना रहेंगे आप नहीं छोड़ सकते भाई आप देखे ना कितने कितने साल हो गए नहीं छोड़ सकते मोहब्बत तो फिर एक लिमिट है वो खत्म हो जाएगी लेकिन प्रदेश जो है ना प्रदेश आपको बर्बाद करके छोड़ेगा छोड़ेगा प्रदेश वाली ज्यादा है मोहब्बत भाई जान ये तो बात ठीक है आपकी लेकिन मेरे जहन में यही था मैं आपको बोलने वाला था मैंने बोला चलो पूछ लेते हैं इनसे प्रदेश वाला काम ठीक है ठीक नहीं है सिर्फ ठीक नहीं और कोई गल कर चौधरी कर दे यार कोई और सवाल पूछे कोई सही वेखने को मौका बिस्मिल्लाह मैं आज मौका आज आज कल का पता नहीं कल का पता नहीं कल हम चले जाएं देखा है यार हां मौका आज आप कैमरा पे होने यार चले बच्चों का दिल खुश कर दें आप तो मौजूद हैं हमारे कभी कभी कहना मानना भी चाहिए जड़ियां ने इन्नू आने यही इल्मे मंतक वो मंतक हो शान मैं गल करना सानू जरा इल्मे मंतक घट हुंदी है अच्छा चलो कोई अच्छी गल सुना मौलाना साहब मौलाना हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब आप बच्चों को नाराज ना करें नाराज ना करें हाँ ना मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जी जी वो कौन सी चीज है जी जी जो दूध देती है जी अच्छा हाँ वो कौन सी चीज है दूध देती है दूध देती है दूध तो हर चीज देती है बकरी भी नहीं है अच्छा ऊंट भी नहीं है ठीक है गाय भी नहीं है गाय भी नहीं है अच्छा अच्छा एक और चीज है अच्छा हाँ मैं भी ना है कौन सी चीज है दूध जो दूध देती है वो दूध उसका उसका दूध है उसका दूध पी सकते हैं हाँ पी सकते हैं वो हलाल चीज है हलाल चीज है कौन सी चीज है तुझे दो महीने तीन महीने चार महीने यार दूध हर चीज देती है अच्छा दूध हर चीज नहीं देती लेकिन ये है ना कि वो बोल रहे हलाल भी चीज है ऊँट दूध नहीं देता ऊँट वाकई नहीं देता ऊँट देती है दूध नहीं नहीं वो आपकी बात सही है कि ऊँट दूध नहीं देता उसने ऊँट उसने वो ऑप्शन दिए नहीं उसने बोला कौन सी चीज तो दूध देती है ये सवाल है सोचो आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों को जरूरी नहीं भी मोबाइल वाले भी सोचे जो आप लोग भी जो है ना ये देखे सुन ली इसकी बात बताएं आप लोग कोई ऐसी चीज जो दूध देती है हरणी भी ना है वह जंगल में ही रांदी है वह हलाल खान भी है उन्हीं जो खीर भी हलाल क्या सवाल है यार दूध देती है मेरा भी सवाल है मुझे भी याद आ गया फिर मेरा सवाल ये है आप सबसे कि वो कौन सा जानवर है जो अंडे देता है कौन सा जानवर है जो अंडे देता है अंडे देता है सांप है सारे बताने हैं सांप है सारे बताने हैं जितने भी हैं सांप तो अंडे देता है ना मैं बताऊंगा आपको सारे ये सांप तो जानवर जिसे कान नहीं हो जी जी अंडे दे सकता है जी जी कोई भी हो अच्छा हाँ जैसे चिड़िया है जी जी ठीक है उसे कान नहीं है ठीक है वो अंडे दे सकती है और आप आपके कान है कान है हम नहीं दे सकते हम बच्चे देंगे अच्छा ये सवाल का जवाब इस भाई ने सही दिया कि जो जिसके कान वाजे हो ना जी जी सुना है कान हर जानवर दे हुंदे ने हुंदे ने जाहिर नहीं हुंदे कान हर दे हुंदे ने जी ओ जानवर जेड़े अंडे दिंदे ने कान अंदर हुंदे ने जी हुंदे सही ने अंदर हुंदे ने अच्छा मैं जेड़े बाहर शरीर के बहुत है अच्छा नहीं मैं बात कर रहा हूं जिसके कान वाजे हो रहे हो ना वो चीज बच्चे देती है जिसके कान वाजे ना हो रहे हो नजर नहीं आ रहे वो अंडे देती है वो कोई भी हो सकती है कोई भी जानवर हो सकता है ये भाई ने सही जवाब दिया वेरी गुड और कोई हाजिर दिमाग है बस इसका दिमाग बाकी इसका जवाब रह गया इसका इसका दे देंगे सांप
हां नहीं नहीं दूध जो दूध वाले दूध वाले कौन सा जानवर दूध वाला वो तुझे सारों ने बताना है वो कौन सा जानवर है यार वो आप भी देखो वीडियो वाले जो देख रहे हैं वो भी इंसान पी सकता है हां इंसान का भाई है इंसान का है औरत हो सकती है नहीं और कभी दूध है बच्चे छोटे होते हैं वो तो पीते हैं ना अच्छा जानवर है ठीक है वो है जानवर है जानवर वो जानवर बोल रहा था यार सुने वो जानवर है जंगल में रखता है इंसान नहीं पालते हैं उसको ठीक है हां तो वो उसका दूध हम पी सकते हैं हां अगर ये क्वेश्चन आपका अगर सही ना हुआ तो वो मतलब कौन सा जानवर है जिसे इंसान नहीं पालते हैं वो दूध भी देता आप बता देते हैं मुझे कुदरती फिर कोई भी जानवर हो सकता है लेकिन सोचते हैं जो पीने वाला दूध दे जानवर उसको इंसान ना पाले मैं तो कहता हूं 99 में यो सवाल आए हो इस चीज को जानवर नहीं मानता वो मां ता के बुदाया तो नालो बुदाया हमरा खा पूछी नालो छो बुदाया नालो पूछी अभी जो है ना तकरीबन 3:30 हो चुके हैं और काफी ज्यादा गर्मी है मैं जा रहा हूं सऊदी को लेने के लिए तो यकीन करें गर्मी बहुत ज्यादा है और व्लॉग बनाने को बिल्कुल भी मूड नहीं है तो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह शाम को क्योंकि शाम को मैं जा रहा हूं जी शाम की तरफ शाम लड़के का नाम है मेरा दोस्त है बहुत से लोगों को पता है जिनको नहीं पता तो उनके लिए बता रहा हूं उसकी तरफ जाऊंगा उस टाइम इंशाल्लाह आपको मिलेंगे फिर वगैरह जो है ना मैं सऊदी को लेने के लिए जा रहा हूं सऊदी को लेके आते हैं उसको फिर यहां पे छोड़ेंगे फिर वापस ड्रॉप करेंगे ड्रॉप करके फिर मैं सीधा चला जाऊंगा उसकी तरफ तो वहां चल के आपको मिलते हैं इंशाल्लाह मैंने ये पानी इसका खत्म हो गया था ये मैं भर के लेके आया हूं तो अकेला मैं किस तरह उतारूंगा इसके लिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया ये टायर मैं नीचे रखूंगा इसके ठीक है ऊपर से इसको नीचे फेंकूंगा और ये ना टूटेगा और आराम से नीचे आ जाएगा तो मैं अभी ये केले उतार दूं और आपको दिखाता हूं आई गया बड़ी मुश्किल से आया शॉफ केफ क्विज ये साहब बहुत ही वजनी था और अभी जो है ना ये भाई जो है ना इसको मैंने बोला प्याज ये देखें काफी ज्यादा पड़े हुए हैं प्याज तो ये भाई डाल रहा है अब्दुल्ला भाई डाल रहा है फिर डाल के जाएंगे इंशाल्लाह हम मैंने आज जाना है उधर अपने दूसरे दोस्त की तरफ उधर प्याज भी लेके जाने कुछ और जरजीर बक्तूनस वगैरह तो ये काट रहे भाई अभी काट नहीं बल्कि ये शापर में डाल रहे अभी अच्छा जी अभी जो है ना सऊदी को भी घर ड्रॉप कर दिया नमाज पढ़ ली है मगरब की अभी जा रहा हूं जी मैं अपने दूसरे दोस्त की तरफ वो छोटी सी बस्ती आपको पता ही है कौन सी है तो अभी चलते हैं जी वहां पे चल के आपको मिलते हैं और वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं सारा सीन तो ये देखें जी ये इसका टाइम खराब हो जाता है जब मैं इसको वॉश करता हूं ना तो ये खुद ब खुद ही सही होगी तो अभी बस निकल रहा हूं ये रोड आ गया हमारा ये कोई 5-10 घर बने हुए हैं ये सऊदियों का घर भी इधर ही है एक छोटी सी बस्ती में मस्जिद बनी हुई है इधर नमाज भी जो है ना वही अदा करता हूं मैं ये छोटी सी बस्ती है कोई 5-7 घर हैं कोई सारे रिश्तेदार ही हैं तो ये यहां पे ना बस ऐसे ही दूर दराज जो है ना घर बने हुए हैं देखिए लाइटिंग आपको नजर आ रही है ना जहां पे इनके बाप दादा रहते थे वहां पे ये लोग रहते हैं ठीक है ये जी माशाल्लाह अपनी एंट्री हो गई है छोटी सी बस्ती में क्या बात है जी क्या ही नजारे हैं जी माशाल्लाह इधर तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखें दुकानें खुली हुई हैं सारी माशाल्लाह रौनक ही रौनक है क्या बात है मजा आ गया एक बार दिल खुश हो गया फिर इधर अंधेरा हो गया है अपने रूम जो है ना वो अंधेरे में ही बने हुए हैं वो छोटा सा रूम जो
लाइट जली हुई है ना वो अपने रूम है। ये लें जी माशाल्लाह इधर पहुंचा हूं, इधर रूम में कोई भी नहीं है। इधर मोबाइल उसका चार्ज लगा हुआ है, चला गया शाम। ये कुछ टेबल ही रखी हुई है माशाल्लाह इसने। क्या माहौल है यार यहाँ का, एसी भी लगा हुआ है, बिजली भी है, सब कुछ है। और हम ना कोई बिजली है ना कोई पंखा है, कुछ भी नहीं है, बस गुजारा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हफ्ते बाद इधर आता हूँ, मुझे बड़ा सुकून आता है, यकीन करें दिल खुश हो जाता है। एक बार चलें वो आएगा तो फिर आपको उससे मिलवाएंगे, अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ये जी भाई आ गया अभी। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? मैं आया रूम पे कोई बंदा नहीं था सिवाय चाचा के, वो भी गए बाहर अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा हाँ ना, मैं उधर बैठा था होटल में, मैंने अच्छा। देखा, मैंने कहा गाड़ी आ गई, अब चलो सही है, मैं फिर आ गया। माशाल्लाह। और सुनाओ सब खैर खैरियत है? बस अल्लाह का शुक्र है, गर्मी बहुत है भाई। तो भाई आपको आपको अभी भी गर्मी लगती है, हर चीज है आपके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी काम नहीं करता कसम से, बहुत पसीना आता है अंदर भी। जो चीज मिली है उस पर गुजारा करो। गुजारा तो कर रहे हैं, वो तुम्हारे वाला अच्छा है जो पानी फेंकता है। अच्छा जी, देखा सिस्टम देखा है हमारा? हाँ, वो देखा, वो सही है। ये उल्लू का पट्टा कोई भी नहीं काम करता। अच्छा जी, ये रात को थोड़ी सी बस ठंडक करता है, वो भी मैं कपड़े उतार के सोता हूँ। ये किधर से लेके आयो? ये चाचा लेके आया। माशाल्लाह, मैंने कहा ये इधर रख दे। क्या बात है जी, पूरा माहौल है आपका तो फिर यहाँ पे। हाँ और सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जबरदस्त। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी कैसी है? बाबा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। ईद के बाद दिन लगेंगे कि नहीं? ईद के बाद कोई पता नहीं मैं काम करूँ वहाँ पे ना, कोई आइडिया नहीं है मुझे। क्यों? कुछ आइडिया नहीं अभी। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा अभी, मुमकिन मैं रहूँगा वहाँ पे। चलो अच्छी बात। और भाई साहब ये जो है ना, अभी एक दुआना लिया है खाने के लिए भाई साहब। ये हबब है, ये यार ये तरबूज नहीं है यार, ये हबब है। हबब है ठीक है, तो अभी इसको अरबी में हबब बोलते हैं। चलो जो भी है भाई साहब, हम तो खाएंगे मजे से। गया है ये जी माशाल्लाह, क्या बात। इसका रंग ऐसे होता है, क्या सीन है इसका? रंग ऐसे नहीं होता। अच्छा फिर इसका रंग ही ऐसे रखा है। वैसे मीठा यार माशाल्लाह, जबरदस्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। ये लें जी, आ गया हमारे पास। क्या इसका नाम है? हबब। हबब दुआना। हाँ माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये मामा है। मामा जाना है नहीं खाना? मामा मर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त यार। ये भी थोड़ा सा सामान उठाया हमने बिजली का, और जा रहे हैं जी हम किधर? चिल करने, काम करने के लिए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा काम है एक लगाना। क्या लगाना यार? बोर्ड तबलून लगानी है। तबलून डीपी, डीपी बोल बोलो ना, डीपी लगानी है। व्हाट्सएप की या किसकी लगाएंगे? दुकान की, दुकान के अंदर डीपी लगानी है। सही है ये जी, काम कर रहे हैं अभी माशाल्लाह। ये लगाना है तबलून, ये वाला लगाना है इधर। ये तारे देख रहे हैं आप सारी की सारी, ये है खरबान, तो ये लगाएंगे इधर भाईजान, अदर भाईजान। माशाल्लाह काम हो रहा है। इनके काम का कोई पता नहीं कब आ जाए और कब ना आए, ये ऐसा काम है। और ये सब्जी वाली दुकान है माशाल्लाह, क्या बात है। इधर से दुआना ले गए हैं ये वाला। ये जी भाई साहब, इतनी तारें गर्म है ना, क्या ही बताऊं आपको। इधर पहले भी एक बार आग लगी थी ऊपर, अभी ये लगवा रहे हैं डीपी। भाई साहब आज नया काम हो गया, फिर आपने देख लिया, पहले तो रोज़ रूटीन देखते, आज ये भी देख ले। तार इतनी गर्म है ना, तीन चार एसी चलते हैं इसके ऊपर, ये एसी की लाइन आ रही है। ये जी माशाल्लाह लग गया जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है जी। कितना टाइम हो जाएगा? रात के 11 हो चुके हैं और अभी फ्री हुए हैं जी। ये जी भी दुआना देगा एक और। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या बात है जी। नहीं है माशाल्लाह जी,
چیک کرو جی کیا بات ہے دوک 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 خلاص کوئس میاں میاں ہلو میاں میاں ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ شکرن شکرن ابھی جو ہے نا جی واپس آئے ہیں اور ابھی سونے کا ٹائم ہے جی کافی زیادہ تھک چکے ہیں جی اور انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں صبح جمعہ بھی ہے اور یہ بھی لوگ یہاں تک کی چینل کو کر لیں سبسکرائب ملتے ہیں صبح اللہ حافظ کیا سین ہے جی سین تو بہت تھک گیا ہے یہ بہت ہی وزنی بیگ ہے یہ اٹھا کے پھرتا ہے روز لے کے